यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अगर जानवर घायल हो जाता है उसको घायल को रखने के लिए उसके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई सेंटर नहीं है जहाँ हम उसको जो है ले जाके उसका इलाज करवा सके। इलाका खुला है, जाहिर है कि दो निहत्थे गार्ड ऐसे ही काफी नहीं ने। नतीजे वजो अबोहर काले हिरना के शिकार का शौक फरमाने वाले शिकारियों लिए ऐशगाह बन गया है। सलमान खान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक रसूखदार नाम, यह नाम उन्होंने लोगों में शुमार है जो काले हिरन का कथित शिकार करने लिए बदनाम हुए। सलमान खान के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़न का सेहरा जाता है बिश्नोई समाज नू। यह उही समाज है जो वरियां तो इन्हां जानवरों की रक्षा करता आ रहा है। सबसे बड़ी ये बात ये है, बिश्नोई के यहाँ तो जीव दया पालने जब सिद्धांत गुरु महाराज ने बनाया, जीव का अर्थ होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव से लेकर हाथी पर्यंत कोई भी जीव, प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखना। दुर्लभ प्राणी है, इसके जो जितनी संख्या में इनकी मात्रा होनी चाहिए आज उतने ये काले हिरण चिंकारे हर जगह मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि शिकारी इनके पीछे जी जान से लगे, इनका मांस जो है पर्याप्त मात्रा में इनको पैसा मिलता रही है लेके इनके प्रकार सप्लाई करते हैं। तो चिंकारे के पीछे सलमान वाली घटना आपने सुनी होगी, वो तो संयोग तो चिंकारे के लिए आया, अगर उस दिन मिल जाता उसको वो जिंदा भी नहीं बिश्नोई छोड़ते, चाहे प्राण देने क्यों नहीं पड़े। बिश्नोई का अर्थ है 20 ते 9 भाव 29। यह समाज अपने गुरु जंबेश्वर जी के 29 आदर्शों का पिछले 500 सालों तो पालन करता आ रहा है। इन आदर्शों विचों 6 आदर्श वातावरण की संभाल नूं समर्पित ने। जिन्हां चों 2 जीव हत्या नूं मानवता के खिलाफ मानते ने। उस आचार संहिता में सबसे बड़ा जो मूल उनका उद्देश्य था, जब तक संसार में जीवन जिए युक्तिपूर्ण जीवन जीते हुए मुक्ति को प्राप्त कर सकें, उन नियमों के मध्य सबसे बड़ा जो उन्होंने एक प्रेरणा के रूप में प्रेरित किया जन समुदाय को, वो था पर्यावरण। और पर्यावरण की आवश्यकता उन्होंने उस समय महसूस की जिससे मानव जगत के अंदर इस तरह की कोई हलचल थी ही नहीं, आम व्यक्ति को ये जानकारी ही नहीं थी कि वृक्षों का क्या महत्व है, पेड़ पौधों का क्या महत्व है। उन लोगों को माध्यम बना करके मानव मात्र के लिए संदेश था, अगर हरे वृक्षों की आप रक्षा करोगे तो आपके जीवन में कभी भी पर्यावरण की समस्या वो उत्पन्न नहीं होगी। तो उस समय भगवान जामो जी ने जीव दया पालनी रूख लीलो ने घावे 29 नियमों के मध्य ये नियम है कि प्राणी मात्र की प्राणों की रक्षा करनी, उनके प्रति दया की भावना रखना और हरे वृक्ष को कभी भी नहीं काटना। ये लोग अबोहर विच गुवांडी सूबे राजस्थान तो आए ने। इन्हां दे पहरावे ते बोली ते राजस्थानी रंग चढ़िया होया है। अबोहर सेंचुरी दे 13 पिंडां विच इस समाज दा बोलबाला है। इन्होंने काले हिरणा की रक्षा का जिम्मा उठाया होया है। काले हिरन भी इन्होंने नाल घुल मिल गए ने। बिश्नोई समाज के इन आदर्शों की वजह नाल अबोहर ओपन वाइल्डलाइफ सेंचुरी विच ये काले हिरन आजादी नाल घूम रहे ने। काले हिरन भोजन की तलाश विच पिंड वालों के घरों विच चले जाते हैं। बिश्नोई समाज के लोगों लिए काले हिरन उन्होंने बच्चों वांग ने।
एक हिरन पाल रखा है और आपने मैं बहुत अच्छा लगा रहा है, प्रेम रखते हैं, इसको ध्यान करते हैं, हमारे को शौक है, हमारे विष्णु धर्म है, धर्म के हिसाब से हम इसकी रक्षा करा। मैं तो जनाब हिरन ने बचा दिया, आपको बच्चे ने बचाओ, इतना ये तो मन मोह है कि मैं खाना खावा रोटी खावा तो कोई नाम ले लेते गलत इंडा का या मीट को, मैं रोटी बंद कर दिया, थारा गड़पड़ दिया। अजिहा ही नहीं कि यह समाज इन्हां काले हिरणा की रक्षा ही करता है। 1730 विच 363 बिश्नोईयां ने दरख्तां की कटाई खिलाफ अपनी जान की कुरबानी दी सी। बिश्नोईयां का दावा है कि मशहूर चिपको अंदोलन भी उन्हां दी ही देण है, पर इन्ना कुछ करन दे बावजूद भी इन्हां दा मकसद किते ना किते अधूरा रह गया है। इसलिए बिश्नोई समाज सरकार की लापरवाही नूं जिम्मेवार ठहरांदा है। बिश्नोई और हमारी जीव रक्षा जो अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा ये तो कर ही रही है, हमारे अहदेदार हमारे कार्यकर्ता तो काम कर रहे हैं, और ये दो तीन जो स्टाफ के आदमी ये करेंगे कितने के दिन भागेंगे, ये काम सरकार का है। हम जो है जितना भी काम है वो सरकार का काम कर रहे हैं, ये हमारा काम नहीं, हमारी तो भावना जुड़ी है, हम भावना से कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है। बिश्नोई समाज की बदौलत अबोहर सेंचुरी दुनिया लिए जंगली जीव सुरक्षा की एक अनोखी मिसाल बनी है, उथे ही यह सरकारी अणगहली का नमूना भी पेश करती है। सरकार का काले हिरन की सुरक्षा का दावा एक खोखला दावा है, इस दिशा में कई कदम उठाए जा सकते हैं जो आज तक उठाए नहीं गए। इत्थे लुड़ींदे कर्मचारी नहीं ने, साधना की कमी है, काले हिरणा लिए पानी तक का इंतजाम नहीं है, कुत्तियां की गिनती ते काबू पाउण लिए कुछ नहीं किया गया। काले हिरणा की गतिविधियां ते नज़र बनाई रखने लिए रेडियो टैगिंग कॉलर्स वगैरह जिहियां आधुनिक तकनीकां दा इस्तेमाल नहीं किया गया। अबोहर सेंचुरी नूं सैलानियों लिए एक केंद्र के रूप में विकसित करने लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। डे एंड नाइट न्यूज़ वालों काले हिरणा नूं बचाउण लिए चलाई गई मुहिम का साडे दर्शकों अते वख-वख खेतरां दीआं जाणीआं पछाणीआं शख्सियतां ने समर्थन किया। एंड नाइट चैनल वालों जो काले हिरणा नूं बचाउण दी मुहिम शुरू की गई है, बड़ी शलाघाजोग आ, इन्हां नूं अज बचाउण दी भी लोड़ आ, कल्ले काले हिरणी नहीं साडे इहो जे जिहड़े समाज दे विच इस धरती दे उत्ते जीव जलचर जीव इहो जे पशु इहो जे परिंदे जिहड़े अलोप होंदे जा रहे आ, काले हिरण तां बहुत जिहड़े है दुर्लभ होंदे जा रहे आ। किसी वेले ये साडे खेतां विच चुकदे सी, साडे आले दुआले रहिंदे सी, ते अज असीं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं बाणी नूं मंनदे आं, बाणी तां सानूं सारिआं दे नाल जोड़दी आ, कुदरत दे नाल जोड़दी आ। मुझे इस बात की खुशी है कि जो डे एंड नाइट चैनल है बहुत अच्छा कर रहा है। जहाँ तक आपने काले हिरण की बात की है, ये सही बात है, मैं चाहता हूँ कि कोई भी शिकारी जो है, अब तो शिकार बंद है सारे हिंदुस्तान के अंदर, और मैं चाहूँगा कि काले हिरण को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको कभी नहीं मारना चाहिए। लोग जो है काले हिरण की जो है राजस्थान के अंदर और हरियाणा के अंदर उसकी पूजा करते हैं, तो मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं, और मैं सब शिकारियों से यही कहूँगा कि आप काले हिरण को या किसी भी हिरण को मत मारिए। There are many other such endangered species that are dwindling as a result of dwindling habitat as well as rampant poaching. And it is my sincere appeal to everybody out there that we should preserve the species, because in another few generations we won't have any black bucks, any tigers, any rhinos to show our children and grandchildren. Let's preserve this for India. Day and Night channel ne bahut badhiya campaign chalai hai, save the black buck. I think hame aur government ko isme Day and Night channel ka saath dena chahiye, kyunki ye bahut important hai hamare liye, inko bachayein ताकि ऐसा नहीं हो कि 5 या 10 साल के बाद ये नस्ल बिल्कुल ही इस धरती से गायब हो जाए। ब्लैक बक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लिविंग बीइंग है हमारे कंट्री के, और बहुत ब्यूटीफुल क्रिएशन है गॉड की। सो आई थिंक इस तरह से उनको मारना नहीं चाहिए, और इनफैक्ट हमें उनको बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए अगर हम उन्हें कहीं देख रहे हैं कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो, बिकॉज हमारे इंडिया में
ये अगर यही चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो हमारे हिंदुस्तान में और कुछ नहीं रहेगा. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आर नेशन, सो प्लीज़ प्रोटेक्ट देम एंड प्लीज सेव देम. मैसेज फ्रॉम WWF इज़ लाइक ब्लैक बक इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब एंड इट नीड्स टू बी कंजर्व्ड एंड इट कैन बी डन लाइक by creating awareness among the people and as you know the Vishnoi communities, like the local people should be involved more to protect the black bucks and all. बहुत ही महत्वपूर्ण जाति है हमारे लिए और हर तरफ से प्रयास होने चाहिए. इंडिविजुअल लेवल पे प्रयास होने चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे प्रयास होने चाहिए और इंस्टीट्यूशन लेवल पे प्रयास होने चाहिए कि जितना साफ हम लोग साथ मिलके अगर इस जाति कोई सुरक्षा कर सकें तो वो सिर्फ ब्लैक बक के लिए नहीं पूरे आप कह सकते हैं कि जन समुदाय के लिए भी बेहतर रहेगा. डेड नाइट वालों बहोर जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उधर जरा मसला कल अपने टीवी उठाया गया है. ये बहुत ही सलाहिया काम है जिस तरह उत्थे बिश्नोई जोड़े भाईचारा है ब्लैक बक को बचाने लिए अपना काम कर रहा है. मैं जरूर कहाँगा जिहड़ा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उन्होंने उस तरह ही काम करना चाहिए है. डे एंड नाइट जो चैनल उन्होंने बहुत ही शलाघायोग कदम है जोड़ा इस एरिए बारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारे उन्होंने मुद्दा चुकया है. मेरा 100% जी मेरी सपोर्ट है मेरी यूथ कांग्रेस सपोर्ट है उन्होंने नाल तो उन्होंने वो गल अगे वधाते हुए मैं ये सारी गल जी अपने पार्लीमेंट के रखूँगा आने वाले दिनों जोड़ा इस एरिए कोई फायदा हो सकता. जे सरकार ये सब कदम उठाए तो काले हिरन की सुरक्षा की जा सकती है वरना साडियां आने वाली पीढ़ियां सिर्फ तस्वीरां विच ही इन्हां दी खूबसूरती देख सकनगियां. समा बहुत घट है, खतरा अजे टलिया नहीं.